उदयपुर भेजे जाने वाली हमारी फौजी टुकड़ी तैयार है। हम तारुफ करवाना चाहते हैं उससे जगमाल का। जी आलमपना, फौज तैयार है। और भगवान दास के साथ हमारे खाने की तैयारी? आलमपना, आपके हुक्म और मिजाज के मुताबिक तमाम किस्म की शराबें भी पेश करने की तैयारियां हो चुकी है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मैदान जंग से कोई बुरी खबर? इस बार कौन? हुजूर, बेलोल खान। बेलोल खान किसे मारा उसे और कैसे? खुद प्रताप ने शहीद किया बेलोल खान को, और वो भी बेहद दर्दनाक तरीके से। खुरासन, वक्त आ चुका है मैदान जंग पे जाने का। जी हुजूर। कसम है तुम्हें बहलोल खान की शहादत की, चुन चुन के मारो इन राजपूतों को। आगे बढ़ो। भैरव धन की अहंकार करो, तुम शेष सदृश हुंकार करो। भैरव धन की अहंकार करो, तुम शेष सदृश हुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो अब एक बार हुंकार करो। रक्षा के लिए उठो अब एक बार हुंकार करो। जीरों के कल कल करने से आया हर सेनाधीश सुना। बढ़ गया पहले से का साहस भी सुना। बढ़ गया। काकू साहब, हमारे सिपाही कीड़े मकौड़ों की तरह मर रहे हैं, अब क्या करेंगे हम? इस राजपूती नए जोश के सामने हमारी सेना नहीं टिक पाएगी काकू साहब। गजब हो गया काकोसा, गजब हो गया। मेवाड़ सेना की नई टुकड़ी हमारी ओर बड़ी चली आ रही है। हम तो कहते हैं कि हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। अब ये जंग हम नहीं जीत पाएंगे काकोसा, नहीं जीत पाएंगे। ये कैसी सेना है? राणा जी, जो सेना हम पीछे सुरक्षा के लिए छोड़ के आए थे, प्रतीत होता है कि वही सेना रानी साहब हमारी सहायता के लिए भेज दिया। हुंकार? इतना बड़ा निर्णय वे अकेले कैसे ले सकते हैं? बिना हमारी अनुमति के सेना कैसे भेज सकते हैं? उचित हम नहीं जानते राणा जी, किंतु यही युद्ध हम निर्णायक रूप से जीत सकते हैं। पहले हम इन मुगलों को उखाड़ चुके हैं राणा जी, अब इस नए सैन्य बल से हम इन मुगलों के सुना देंगे राणा जी। काकोसा, आदेश दीजिए सिपाहियों को पीछे हटने का। हमें मानसिंह जी, पहले रुको तो सही दम भर, देख तो ले ढंग से कि है कौन है आखिर। सेना का नेतृत्व खुरासन कर रहा है। खुरासन? इसका मतलब ये कि मेवाड़ी फौज नहीं, मेवाड़ी लिबास में मुगल फौज है।
शहंशाह, आपने हमें और हमारे पुत्र मानसिंह को स्वर्णिम मुगल इतिहास का अभिन्न अंग बनाकर हम पर जो एहसान किया है उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। और ये जो सारे संसार की उत्कृष्ट मदिराओं का सेवन करने का जो सुअवसर आपने हमें दिया है उसके लिए हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है शहंशाह। बस आप हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। भगवान दास जी, ये जो अंगूठी आपने अपनी उंगली में पहन रखी है, गजब की खूबसूरत है। जब भी आपसे मिलते हैं नजरें नाम ही नहीं लेती इससे हटने का। ये अंगूठी न जाने कितने वर्षों से मेरे उंगली में है, कितना भी प्रयत्न करो ये निकल नहीं सकती, अन्यथा मैं इसे आपको अभी पेश कर देता। अभी से अपनी बदकिस्मती का है ना कहे। नहीं शहंशाह, यदि आपको चाहिए तो मैं अभी आपको दे देता हूं। लाहौल बिला को मत। क्या कर रहे हैं आप? शहंशाह, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। युद्ध भूमि में आप सभी का स्वागत है मेवाड़ी। आज मुगलों को दिखा दो अपना शौर्य। हमारी नई टुकड़ी के सैनिक हमारे ही सैनिकों पर वार क्यों कर रहे हैं? यह युद्ध नहीं धोखा है, ये नहीं होती राजपूती परंपरा। तुम्हें इसके बारे में पता था ना मुल्तान खान? बिल्कुल पता था मानसिंह, लेकिन इस वक्त आपके राजपूती उसूलों का शोर नहीं, हमारी नायाब चाली ही इस हारी हुई जंग में हमें फतेह दिलाएगी। नहीं मुल्तान खान, राजपूतों के लिए जीत और हार से बढ़कर उसके सिद्धांत और परंपरा होती है। हम अभी जाकर छल करने वाले एक एक मुगल सैनिकों का राजपूत जिला बख्तर छीन छीन कर उनका असली चेहरा सामने लेकर आते हैं। हम राजपूत युद्ध को छल से नहीं बल से लड़ते हैं मुल्तान खान। मानसिंह जी, आपको जो करना हो कर लीजिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले इतना जरूर याद रखिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब खुद शहंशाह की तजवीज पे हो रहा है अमल। शहंशाह के ही सिपे सलार आजम होकर उनके ही खिलाफ जाएंगे आप, वो भी इस मैदान जंग में। कुंवर जगमाल, इससे पहले किसी फौज की सरपराई की है तुमने? नहीं शहंशाह, अभी तक कभी अफसर ही नहीं मिला। तो समझो आज मिल गया तुम्हें मौका, तुम्हें फौज को लेकर जाओ और उदयपुर के आसपास जाके अपना डेरा डालो और फिर वहां अपना खेमा गाड़ते ही तुम्हें खबर फैला दो कि प्रताप ये जंग हार रहा है। और जैसी ये खबर उदयपुर में फैलेगी, शाही महल और तमाम शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। इस अफरा तफरी के माहौल में और उसका फायदा उठाकर तुम उदयपुर पर कब्जा कर लोगे। और इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि उदयपुर पर कब्जा करने का ये मौका हम तुम्हें बिना प्रताप के साथ मुकाबला करने के लिए दे रहे हैं। बस तुम्हें भी हमसे एक वादा करना पड़ेगा, प्रताप की बीवी का तुम अपने हाथों से मारोगे।
हम वचन देते हैं शहंशाह कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। शाबाश कुंवर जगमाल, इतना आसान मौका और इतनी बड़ी मुगल फौज हम तुम्हें दे रहे हैं। इसमें कई ऐसे सिपहसालार हैं जो तुम्हारे लिए आंख झपकते ही उदयपुर फतेह कर लेंगे। बस तुम्हें उन्हें यह बताना है कि कहां पर क्या क्या है, और अगर खुदा ना खास्ता तुम इस मुहिम में नाकामयाब हो गए तो हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे, क्योंकि हमें नाकामयाब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आप हमारा विश्वास रखिए शहंशाह, इस बार राणा जगमाल सिंह असफल नहीं होगा। ये हमारा आखिरी वार है प्रताप, तुम अपने दोनों मोर्चों पर हारो। चलो सिंह जी, ये अवश्य हमारे सैनिक नहीं हो सकते, बहनों की लगते हैं हमें, परंतु इनमें से अपने कौन और पराए कौन है? कैसे अन्य मुश्किल आनंद जी, इसका एकमात्र एक ही मार्ग है, हम जय भवानी का सिंहनाद करेंगे। हम जानते हैं हमारी सेना क्या करेगी। एक लिया हमारे मेवाड़ी वीर योद्धाओं, ये जो हमारे समक्ष खड़े हैं ये कायर मुगल हैं, जिन्होंने हमारी ही वेशभूषा पहन हमसे ही गद्दारी किया, हमें ही धोखा दिया है हमारी मातृभूमि में। आप सभी जानते हैं कि अब हमें इनके साथ क्या करना है। के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को, के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को, के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। काजी खान और भूखा सिंह, फौरन जाओ और अपनी सेना की मदद करो। जी काकू साहब। जाओ सब, आज पता चला कि अकबर या प्रताप होने पर कैसा अनुभव होता है भीतर से। हमारे एक ही इशारे पे इतनी विशाल सेना रुक गई। वाह राणा जगमाल सिंह, वाह। सब लोग दो कदम पीछे। अब दो कदम आगे। हमारे लिए क्या हुक्म है हुजूर आला? जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे पीछे उदयपुर की सुरक्षा के लिए कुछ राजपूती सैनिक तैनात किए हैं, तो अब हम वो ही करेंगे जो शहंशाह अकबर ने हमसे कहा है, अर्थात आप सभी सैनिक साधारण नागरिकों के वस्त्र में आके इस नगर में घुल मिल जाए, और इस नगर में यह बात भी फैला दी जाए कि प्रताप सिंह हल्दी घाटी की जंग हार चुका है। समझ गए? वो
बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं हमारे सिपाही। अब तो प्रताप को रोकना ही होगा। हम मारते रहे प्रताप को काजी खान। नाना बच्चे, इसी कुछ समय में पहले कई सूर्य मर चुके हैं प्रताप के हाथों, इसलिए बेहतर तो यह होगा कि तुम प्रताप की असली ताकत को निशाना बनाओ। यानी प्रताप का घोड़ा चेतक। मानना पड़ेगा मानसिंह जी, आपके भतीजे को एक पांव से बेबस होने के बावजूद भी कई दुश्मनों को हलाक किया है इसने। कमाल का जंगजू है जना। अधर्म का युद्ध धर्म समझ कर लड़ने वाला योद्धा है। चेतक, अब ठीक तो है ना? मानसिंह, तुम्हारे घृणित कार्य ने संसार के सभी राजपूतों का सर शर्म से झुका दिया। तुम्हारे रगों में अब राजपूती रक्त नहीं बल्कि मुगलों का मलिच और कपटी रक्त दौड़ रहा है। तुमने छल से मुगल सैनिकों को राजपूती जरा बख्तर पहनाकर हमारे ही विरुद्ध युद्ध भूमि में लड़वाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम एक राजपूत नहीं रहे, एक मुगल बन चुके हो। एक ऐसा मुगल जिसने आज तक केवल अपनी मातृभूमि को धोखा ही दिया। तो आओ, आज हम यहाँ सबके समक्ष तुम्हें युद्ध की चुनौती देते हैं। हमारे विचार से दोनों पक्ष बहुत रक्त बहा चुके हैं एक दूसरे का, बहुत नुकसान पहुंचा है दोनों को, जान माल का हाल। इसीलिए हम आज इस युद्ध विराम का आपके समक्ष अपनी ओर से प्रस्ताव रखते हैं। कल फिर नए उत्साह, नए जोश के साथ मिलेंगे युद्ध भूमि में। राणा प्रताप सिंह ने आज तक कभी भी किसी शांति प्रस्ताव का अपमान नहीं किया, भले ही वह कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो। तो जाओ, इससे पहले कि हम अपने नियमों को तोड़ दें और ये भूल जाए कि कभी तुम भी एक राजपूत थे। जाओ, मुगल सेना विश्राम के लिए खेमे में लौटेगी। पीछे हट, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.